हाय फ्रेंड, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी मी हेल्प यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको बेस्ट एड प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, ब्लॉग वेबसाइट में ऐड कैसे लगाए जाते हैं, अगर आपने एडसेंस का अप्रूवल लिया है या फिर आप अगर जानना चाहते हैं किस तरह से अपने ब्लॉग पे ऐड लगाए जाते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। एडसेंस के ऐड सभी कोई यूज करते हैं, अपने ब्लॉग में लगाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है ऐड प्लेसमेंट करने का, जिससे कि आपका CTR मेंटेन रहे, आपको CPC अच्छा मिले, कौन सा ऐड कहाँ पर लगाने चाहिए, इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे कि आपका CTR और CPC आपको अच्छा मिलेगा और ऐड भी आपको वेबसाइट पे अच्छे दिखने को मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक वेबसाइट है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बनाए थे, तो इसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इस तरह का मैसेज आ रहा था, यू नीड टू फिक्स समथिंग बिफोर अप्लाई एडसेंस। तो ये मैं फिक्स करके इस पर एडसेंस का अप्रूवल ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। अब बात यह है कि इसमें एडसेंस के ऐड कैसे लगाए जाते हैं। अभी देखिए ये ऑटो ऐड लगा है तो अपने हिसाब से गूगल एडसेंस जो है कि शो कर रहा है, तो अभी क्लिक वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लगा सकते हो। सबसे पहले बेस्ट ऐड प्लेसमेंट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी अर्निंग गूगल की इंक्रेज कर सकते हो, गूगल एडसेंस की अर्निंग। तो आपको सबसे पहले गूगल एडसेंस सर्च करना होगा और आप लॉगिन कर लीजिए गूगल एडसेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। काफ़ी ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसमें जो है कि एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, काफ़ी यूजर परेशान हो गया था, तो मैं इसका अप्रूवल जो है कि बहुत ही जल्दी दिलवाया हूँ कल ही की। यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले, यानी कि 12 मार्च को ये अप्रूवल का मैसेज आया था। यहाँ पे दिखाते हैं अभी आपको, कंग्रेचुलेसन गूगल एडसेंस, ये देखिए 12 मार्च को यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट करके मैसेज आया था, तो ये अप्रूवल मिल गया। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे गूगल एडसेंस बिल्कुल फ्रेश है और ओपन है। अब आपको ऐड लगाना है अपनी वेबसाइट पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। अब कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा जिससे कि आप इंक्रीज कर सकते हैं और आप अर्निंग जो है कि बढ़ा सकते हैं अपनी, और आपका CTR भी मेंटेन रहेगा और ऐड भी आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट पर ऐड भी नहीं आते हैं, तो सबसे पहले आपको देखिए ऐड यूनिट क्रिएट करना होगा और कौन सा साइज आपको लगाना है कहाँ पे, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं साइज जो है कि बताया गया है कि आप कौन सा फॉर्मेट कहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर इसके लिए आप रिस्पॉन्सिव ऐड यूज कर सकते हैं। अभी दो ऐड लगा है, आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव। सबसे पहले न्यू ऐड यूनिट क्रिएट करना है और यहाँ पर देखिए आपको तीन ऑप्शन, आपको नेटिव ऐड, आप इन फीड ऐड और इन आर्टिकल ऐड। इन आर्टिकल ऐड आर्टिकल के बीच में शो होंगे, अगर आपको पोस्ट के बीच में शो कराना है तो ये यूज कर सकते हैं। मैं जो है कि यहाँ पे इस ऐड को यूज करता हूँ, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले ऐड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड यूनिट का नाम लिखेंगे, जो भी लिख सकते हैं, ऐड वन कर सकते हैं, ऐड टू, या फिर कुछ नाम देख सकते हैं, दे सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद से यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव करना होगा, रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पे गेट सेव एंड गेट कोड करना है। अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे ब्लॉग में ले आइए और लेआउट में मैं आपको बताऊँगा, अभी बहुत सारे ऐड आपको लगाने के तरीके बताऊँगा कहाँ पे कौन सा ऐड लगाया जाता है। अब हेडर में आप इसको लगा दीजिए, हेडर में लगाइए, यहाँ पर ऑटो ऐड लगे होंगे, तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं और फिर एक और साइज आपको बताएँगे कौन सा, यहाँ पे आइए और उसके बाद से ये तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव ऐड। अब फिर ऐड यूनिट क्रिएट करना है, यहाँ पे टेक्स्ट एंड डिस्प्ले ऐड कर कीजिएगा और फिर आपको यहाँ पे आपको कस्टम साइज क्लिक करना है यहाँ पे, और जो है कि विथ इसका 600 और यहाँ पे 300 करते हैं, ठीक। अब इसके बाद से अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह, तो यहाँ से कर सकते हैं, इसका कलर, ऐड का कलर, टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे अभी जो है कि इसका नाम लिखते हैं, ऐड टू कर देते हैं और फिर यहाँ पे सेव एंड गेट कोड करते हैं, और ये जो है कि आप कोड देख सकते हैं, इसको हम लगाएंगे साइड बार में, यहाँ पे लगाएंगे साइड बार में, ये देखिए साइड बार में। तो फ्रेंड, हमने हेडर में भी ऐड लगा लिया और साइड बार में ऐड लगा लिया, और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, इस थीम में ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक ऐड लगा सकते हैं होम पेज पे, और मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे कितने ऐड लगाने हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव ऐड लगाना होगा, तो हम इसी कोड ऐड यूनिट को, यहाँ पे ऐड यूनिट वन था जो ऐड यूनिट वन, इसको हम क्लिक करते हैं और जो रिस्पॉन्सिव ऐड था यहाँ पे देखिए, इसको हम कॉपी करते हैं ये, और इस कोड को हम लोग वहाँ पे पेस्ट करेंगे जो अभी होम पेज का था, इसमें
अब फिर अब ये होम पेज पे हमने तीन ऐड लगाया, एक साइड बार में, एक हेडर में, एक मेन पेज पे। तो अब हम इसको व्यू करके देखते हैं। अभी चूंकि ऐड शो नहीं होंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस पेज से आ जाएगा यहाँ पे ऐड और यहाँ पे ऐड और यहाँ पे थ्री ऐड अभी आएंगे। अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया है, तो अभी न्यू है, यहाँ पर न्यू है, यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा तो ऐड शो होने लगेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, पोस्ट के बीच में ऐड दिखाने के लिए आपको मैन्युअली ऐड लगाना होगा या फिर ब्लॉगर के थीम में जा करके आप मैन्युअली जो है कि लगा सकते हैं। और मैन्युअली लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो कि ज़्यादा क्लिक आए सीपीसी अच्छा मिले, तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे पोस्ट के अंदर आइएगा। पोस्ट के अंदर ब्लॉगर में ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप जो है कि एक जगह प्लगइन लगा दिए तो आपका शो होगा, यहाँ पे मैन्युअली लगाया जाता है। तो ब्लॉगर में आने के बाद से और यहाँ पे कोड में जाएंगे, फिर हम एक कोड यहाँ पे लेंगे, लिंक ऐड का लेंगे, लिंक ऐड का यहाँ पे लिंक ऐड देखिए लिखा है, और एडसेंस ऐड थ्री करते हैं, इसको नाम देते हैं। अब लिंक ऐड में जो आपकी वेबसाइट कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको पता होगा वेबसाइट में पोस्ट के अंदर जो लिंक बन रहा है ये किस कलर का बन रहा है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट यही कलर है आप देख सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा क्लिक मिलते हैं, तो इस तरह का कुछ कलर होगा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम 7 गेट कोड करेंगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ ये। अब यहाँ पर आने के बाद से आप पोस्ट के अंदर यहाँ पर आइए, और आपको HTML के अंदर अब यहाँ पे ऊपर लगाना है आपको, तो आप BR के अंदर लगा सकते हैं, ब्रैकेट जहाँ पे बंद हुआ यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे ऐड को पेस्ट करेंगे इस तरह से, और फिर एक रिस्पॉन्सिव ऐड लगाएंगे। तीन ऐड आपको पोस्ट के अंदर दिखाने हैं, तो एक रिस्पॉन्सिव लगा दीजिए, और रिस्पॉन्सिव ऐड ये वाला, और फिर आप जो है कि इस तरह से थ्री ऐड लगाइएगा। और ऐसे पोस्ट बॉडी के अंदर आप टेम्पलेट के अंदर दो ऐड लगा सकते हैं, किसी किसी थीम में दिया जाता है ब्लॉगर के थीम में, तो यहाँ पे हम दो ऐड लगा दिए और इसको पब्लिश करते हैं। तो ये सही तरीका होता है अपने ब्लॉग वेबसाइट पे गूगल एडसेंस के ऐड लगाने के लिए। इस पे आ जाएंगे और ऐड भी आपका शो होने लगेगा, अभी आपका यहाँ पे ऐड शो होगा, उसके बाद से एक बीच में यहाँ पे ऐड शो होने लगेंगे। अभी ऐड शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये हेडर वाला ऐड शो हो गया। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में यहाँ पे भी ऐड शो होने लगे, तो आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं और आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड।